लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गीता, मेरी आवाज तुम सुन रही हो? कहाँ हो तुम गीता? शक्तिमान, मैं यहाँ जैकॉल के ठिकाने पर हूँ। ये ठिकाना समुद्र के बीच एक टापू पर है। क्या सोचने लगी? जैकॉल ने जल्दी बुलाया है। शक्तिमान, जैकॉल ने मुझे अपने पास बुलाया है। गीता, तुम मेरे संपर्क करो, मैं पहुंच रहा हूं। ओ, तो टेलीपैथी कर रहा है शक्तिमान। इसका मतलब वो थोड़ी देर में आ जाएगा। मुझे यहां क्यों बुलाया जैकॉल? भावा, बांध दो इसे कुर्सी से। चलो। ये पापमणि, ऐसी ही पापमणि मैंने किलविश के पास भी देखी थी। शक्तिमान, शक्तिमान, छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो। कभी नहीं बना पाओगे तुम, कभी नहीं बना पाओगे। बनाऊंगा शक्तिमान, जरूर बनाऊंगा। ये मेरे पापों का क्षेत्र है, यहां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी तुम्हारी आत्मशक्ति, उन्हें कमजोर होना ही होगा। और जैसे जैसे कमजोर होती जाएंगी तुम्हारी आत्मशक्ति, वैसे वैसे तुम अंधेरे के करीब आते जाओगे, बहुत ज्यादा अंधेरे के करीब। शक्तिमान, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम मेरे आत्मविश्वास को कभी नहीं तोड़ पाओगे तबराज किलविश, कभी नहीं तोड़ पाओगे किलविश। तुम्हारा आत्मविश्वास टूट कर रहेगा शक्तिमान, टूट कर रहेगा। शक्तिमान, छोड़ दो मुझे। शक्तिमान, शक्तिमान, नहीं, नहीं, शक्तिमान, नहीं, नहीं, शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान उठो, शक्तिमान, शक्तिमान उठो। ये तुम्हें क्या हो गया शक्तिमान? उठो शक्तिमान, शक्तिमान। अच्छा हुआ तो इसके साथ आ गई लड़की,
अब मुझे इसे अंधेरे का गुलाम बनाने में और आसानी होगी। लगता है ये फिर से एक साजिश कर रहा है। ऐसी एक साजिश इसने पहले भी की थी शक्तिमान को बुलाने के लिए, जब इसने मुझे और मेरे पापा को अपने स्पेसशिप में कैद कर लिया था। तब पापा के ही कहने पर मैंने शक्तिमान को टेलीपैथी से बुलाया था। शक्तिमान, यहां तुम्हारी जरूरत है। शक्तिमान, तुम जल्दी आ जाओ। शक्तिमान, 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 शक्तिमान। गीता, शक्तिमान, शक्तिमान। गीता, प्रोफेसर विश्वास साहब, आप यहां? हाँ शक्तिमान, जयकाल ने सबसे पहले किडनैप मुझे ही किया था, बाकी वैज्ञानिकों का अपहरण तो उसने बाद में किया। जयकॉल, तो अंतरिक्ष में बनाई हुई ये लैब जयकॉल की है, मगर इसका मकसद क्या है? सारे वैज्ञानिकों को अपने जैसा शैतान बनाना। बल्कि शक्तिमान, उसने सारे वैज्ञानिकों को अपने जैसा शैतान बना भी दिया है। क्या? हाँ शक्तिमान, हाँ ये सच कह रही है। द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकॉल ने सचमुच इनको किडनैप कर शैतान बना दिया है, और अब ये सब मेरे गुलाम बनकर साइंस का इस्तेमाल सिर्फ अंधेरे के लिए करेंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो इनकी बनाई मिसाइल। कुछ करो शक्तिमान, ये लोग पृथ्वी पर विनाश करने की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि तैयारी हो चुकी है शक्तिमान, तुम्हारी पृथ्वी का एक एक शहर अब मेरे सिंगारा मिसाइल के निशाने पर है। डॉक्टर जयकॉल जब चाहे किसी भी शहर को खत्म कर सकता है। अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते जयकॉल, शक्तिमान के रहते हुए तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी। पापा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? खबरदार शक्तिमान, खबरदार, अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो इसका मतलब होगा गीता की मौत। चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो। आप ये क्या कर रहे हैं प्रोफेसर विश्वास? वही जो तुम दोनों ने सुना। शक्तिमान, प्रोफेसर विश्वास सब हमारा आदमी है। शक्तिमान, नहीं, इसका मतलब इसने फिर से वही साजिश की है। मेरे जरिए इसने शक्तिमान को यहाँ बुलाया है ताकि इस पाप मणि से ये शक्तिमान को अपना गुलाम बना सके। मुझे शक्तिमान को बुलाना होगा। शक्तिमान। गीता, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। नहीं शक्तिमान, यहाँ मत आना, ये जयकॉल की चाल है। जयकॉल के पास मैंने पाप मणि देखी है। घबराओ मत, मैं आ रहा हूं। गीता, अब हम तुम्हें बताते हैं कि हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। इसलिए हम चाहते थे
कि तुम शक्तिमान को टेलीपैथी से यहां बुलाओ ताकि हम उसे अंधेरे का गुलाम बना सके। शक्तिमान बस तुम्हारा ये खेल भी खत्म हुआ जयकौल। तुम जिस शक्तिमान को खत्म करना चाहते थे वो मैं नहीं मेरा प्रतिरूप था। सुलंदा सुलंदा पाप पड़ी उठाकर मेरे पास लाओ। पाप पड़ी लाओ सुलंदा। जाओ सुलंदा। शाबाश शाबाश सुनंदा पाप पड़ी लेकर इधर आओ। आओ आओ सुनंदा। तुमने ये क्या किया? शड़प जयकौल। मैंने तुम्हारी और तमराज किलविश की सारी बातें सुन ली थी। कल को वो अच्छी बन जाए और अंधेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले ही उसकी मौत आ जाएगी। महामहिम तमराज किलविश, सुनंदा से मुझे कोई लगाव नहीं है। उसे मैं अंधेरे का मोहरा बनाना चाहता था। मैंने बना दिया। जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि वो अंधेरे की किसी काम की नहीं है उसे खत्म कर दूंगा। उसी वक्त अंधेरे से मेरा जी भर गया था। शक्तिमान, मैंने उस वक्त तुम्हारा कहना नहीं माना, लेकिन अब मैं लौटने के लिए तैयार हूं। क्या अनुसंधान केंद्र वाले मुझे रखेंगे? अवश्य रखेंगे, अवश्य। जाओ, गीता का बंधन खोल दो। हाँ। धोखा, पाप। लेकिन एक बार मुझे समाज में फिर से आना ही होगा टीवी इंटरव्यू के लिए। क्या तुम मेरा इंटरव्यू लोगी गीता? हाँ सुनंदा। दोस्तों, अंधेरा न कभी अच्छा था और न कभी अच्छा हो सकता है। वो तो मैं ही बहक गई थी। और रही बात मेरी ताकत की, तो वो जयकौल की मशीनों का कमाल था। शक्तिमान की तरह सचमुच शक्तिशाली नहीं हूं मैं। शक्तिमान जैसा शक्तिशाली तो कठिन योग और साधना से ही बना जा सकता है। मुझसे आज तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आज आप सबके सामने शक्तिमान से माफी मांगूंगी। मुझे माफ कर दो शक्तिमान। शक्तिमान, इस अवसर पर तुम कुछ नहीं कहोगे? दोस्तों, सुनंदा ने अभी अभी जो कुछ भी कहा सच कहा। शक्तिमान बनना इतना आसान नहीं है दोस्तों। मुझे भी कई वर्ष लगे शक्तिमान बनने में। शक्तिमान बनने के लिए कड़ी मेहनत, लगन, साधना और योग की आवश्यकता है दोस्तों। और सुनंदा के उदाहरण से आपको यह भी पता चल गया होगा कि सिर्फ शक्तिशाली बनने से ही शक्तिमान नहीं बना जा सकता। उसके लिए सत्य की शक्ति की आवश्यकता है, पाप से दूर रहने की आवश्यकता है। आप भी सत्य को अपनाइए, पाप से दूर रहिए। हो सकता है आने वाले समय में आप लोग भी शक्तिमान बन जाएं। चलिए सुनंदा। हाँ। तो दोस्तों, अब असलियत आप लोगों के सामने आ गई है। मैं गीता विश्वास, केआर चीन से। नाइन, 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 नाइन।
एक बार फिर अपना चेहरा बदला है अंधेरे ने, और चेहरा बदलने का मतलब पहले से ज्यादा ताकतवर बनना। जब जब शक्ल बदली है अंधेरे ने, ताकतवर होता गया है अंधेरा। और इस बार अंधेरे का ये नया चेहरा एक और नए हथियार को जन्म देगा। अंधेरे का नया हथियार, अंधेरे के क्रोध से पैदा हुआ है तू। क्रोध यानी कोप का पिंड, कोपिंड है तू। जो हुक्म तम्राज किल्विश, मुझे जन्म देने का मकसद दुनिया में पाप फैलाना। कैसे? लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे पाप करवाना है तुझे। कोपिंड लोगों को अपना शिकार कैसे बनाएगा महामहिम? लोग खुद तेरा शिकार बनेंगे कोपिंड। कैसे? अपने क्रोध, अपने गुस्से के कारण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छह दोस्त हैं अंधेरे के, जो इंसान को अपने वश में करके उनसे पाप करवाते हैं। मगर क्रोध से पाप कैसे फैलता है महामहिम? क्रोध बहुत आसानी से पाप को फैलाता है। जब इंसान को क्रोध आता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। इंसान अपना पराया, उचित अनुचित सब भूल जाता है, और उससे अनजाने में ही पाप होने लगता है। बस अब जैसे ही समाज में तुझे कोई इंसान गुस्सा करते दिखाई दे, तू उसमें समा जाना और उसके गुस्से को इतना बेकाबू कर देना कि वो इंसान बेकाबू होकर हिंसा करना शुरू कर दे, पाप करना शुरू कर दे। इसी तरह धीरे धीरे समाज के इंसानों को अपना शिकार बनाते हुए पूरी दुनिया में इतनी हिंसा फैला दे, आतंक फैला दे कि पाप के बोझ से कांप उठे दुनिया सारी। तभी कायम हो सकता है चारों तरफ अंधेरा। अंधेरा कायम होकर रहेगा महामहिम तम्राज किल्विश? यकीनन कायम होकर रहेगा, मगर होशियार, इस दुनिया में अंधेरे को कम करने वाला एक ताकतवर इंसान भी पैदा हो गया है। लोग उसे मसीहा कहते हैं। यह है उसकी शक्ल। शक्तिमान नाम है इसका। इससे होशियार रहना। ये योगी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को जीत चुका है। ये बन सकता है तुम्हारे रास्ते की रुकावट। कोपिंड रुकावटें दूर करना जानता है महामहिम तम्राज किल्विश। यही उम्मीद है अंधेरे को तुमसे, मगर अंधेरा शक्तिमान को खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि उसे अंधेरे का गुलाम बनाना चाहता है। और ये तभी हो सकेगा जब शक्तिमान पाप करेगा। इसलिए तुम्हें लोगों के साथ साथ शक्तिमान को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करनी होगी। कोपिंड कोशिश करेगा महामहिम। ठीक है, अब जाओ और समाज में जिस भी इंसान को भी गुस्सा आता है उसे अपना गुलाम बनाओ, अंधेरा फैलाओ, और मौका मिलते ही शक्तिमान को भी अपना गुलाम बना लो। अंधेरा कायम रहे महामहिम। अंधेरा कायम रहेगा। यकीनन अंधेरा फैला कर रहेगा कोपिंड समाज में।
शक्तिमान।